नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कल्याण सिंह का अंतिम संस्कार आज। कल्याण सिंह का आज होगा अंतिम संस्कार। नरोरा के गंगा घाट पर अंतिम संस्कार होगा। राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। अंतिम विदाई देने पहुंचेंगे कई दिग्गज नेता। अमित शाह, राजनाथ सिंह, सीएम योगी भी शामिल होंगे। सीएम शिवराज भी अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। कल्याण सिंह का आज अंतिम संस्कार होगा। नरोरा के गंगा घाट पर अंतिम संस्कार होगा, जिसमें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार में राजनाथ सिंह, अमित शाह, सीएम योगी शामिल होंगे। इसके साथ साथ सीएम शिवराज भी अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। कल्याण सिंह का आज अंतिम संस्कार होना है। कल्याण सिंह का निधन शनिवार को हुआ था और आज अंतिम संस्कार होना है। नरोरा के गंगा घाट पर अंतिम संस्कार होगा। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। अमित शाह, राजनाथ सिंह, सीएम योगी इसमें शामिल होंगे। इसके साथ साथ सीएम शिवराज भी अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। कल्याण सिंह का आज अंतिम संस्कार होना है। नरोरा के गंगा घाट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। तकरीबन 3 बजे उनका अंतिम संस्कार होगा, जिसमें सीएम शिवराज भी शामिल होंगे। इसके साथ साथ अमित शाह, राजनाथ सिंह, सीएम योगी भी शामिल होंगे। कल्याण सिंह का निधन शनिवार को हुआ था, आज उनका अंतिम संस्कार होना है। सीएम शिवराज भी अंतिम संस्कार में शामिल हो रहे हैं। कल्याण सिंह का आज अंतिम संस्कार होगा। नरोरा के गंगा घाट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। तो अमित शाह, राजनाथ सिंह, सीएम योगी शामिल होंगे। कल्याण सिंह का निधन शनिवार को हुआ था। सीएम शिवराज अंतिम संस्कार में आज शामिल होने वाले हैं। और यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह को आज आखिरी विदाई दी जाएगी। अलीगढ़ के अहिल्याबाई स्टेडियम में उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है। दोपहर करीब 3 बजे नरोरा में उनका अंतिम संस्कार होगा। बताया जा रहा है कि कल्याण सिंह को आखिरी विदाई देने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ सकती है। एक सामर्थ्यवान नेता खोया है। हम उनके भरपाई के लिए, उनके आदर्शों, उनको संकल्पों को लेकर के अधिकतम पुरुषार्थ करें और उनके सपनों को पूरा करने में कोई कमी न रखें। मैं भगवान प्रभु श्री राम को उनके चरणों में प्रार्थना करता हूं कि प्रभु राम कल्याण सिंह जी को अपने चरणों में स्थान दे। बीजेपी के इतिहास में कल्याण सिंह वो नाम है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। बीजेपी को जमीन से आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाने वाला शख्स, जिसने साल 1991 से 1992 के बीच महज 1 साल में बीजेपी को इतना मजबूत बना दिया कि पार्टी अपने दम पर सत्ता में आ गई। अफसोस का दिन था तो 1528 में मंदिर गिरा करके हिंदुओं की भावनाओं को कुचल करके जो काम हुआ था वो अफसोसजनक था। ये 1528 के लोग क्यों नहीं याद करते हैं। 1984 में बीजेपी ने महज 2 लोकसभा सीटों पर कब्जा जमाया था, लेकिन राम मंदिर आंदोलन की बदौलत 37 साल में बीजेपी 218 गुना बढ़ी। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने लोकसभा की 303 सीटों पर कब्जा जमाया। बीजेपी के इस करिश्मे के पीछे 3 प्रमुख चेहरे थे, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और कल्याण सिंह। यूं तो कल्याण सिंह जी पूरे देश के अंदर एक प्रखर राष्ट्रभक्त और आस्थावान राम भक्त के रूप में जाने जाते थे। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रभक्त और राम भक्त के साथ ही एक विकास पुरुष के रूप में शासन की शुचिता, पारदर्शिता और अपने शासकीय दृढ़ता के लिए भी उनको सदैव स्मरण किया जाएगा। कल्याण सिंह ने यूपी के ओबीसी समुदाय को बीजेपी से जोड़ा और अपने बलबूते पर यूपी में सरकार बनाने में कामयाब रहे। पार्टी को सियासी मंच पर मजबूत बनाने में बीजेपी के बाबूजी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। यहां तक कि राम मंदिर आंदोलन में अपनी सरकार भी कुर्बान कर दी। उद्देश्यों के लिए सत्ता प्राप्त करना और उद्देश्य की पूर्ति के लिए सत्ता शक्ति को न्यौछावर करने का साहस जीवंत उदाहरण है।
वो उनको उस घटना ने अमर बना दिया। बीजेपी के लिए कल्याण सिंह उस वट वृक्ष के समान थी जिसकी छाया में बीजेपी का संगठन पनपा, देश की सियासी जमीन पर पार्टी ताकतवर हुई। राम मंदिर के लिए यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह के प्रयासों को भुलाया नहीं जा सकता है। अयोध्या में मंदिर के लिए राम भक्त कल्याण ने बड़ा संघर्ष और त्याग किया। बीजेपी कार्यकर्ता अपने प्रिय नेता कल्याण सिंह को बाबूजी कहते थे। बीजेपी के बाबूजी की शैली ने यूपी में पार्टी को धार दी, कार्यकर्ताओं में जोश भरा और बदलाव की बयार दी। बावर चाहता था कि आने वाली हिंदुओं की पीढ़ियां आपस में मने अपमानित होती रहें, गिलानी से भरी रहें, इसलिए मंदिर तोड़ कर ही मस्जिद बनाने का हेतु क्या था। राम मंदिर के प्रणेता कल्याण सिंह बीजेपी कार्यकर्ताओं के संरक्षक और प्रेरणा स्रोत थे। ऐसे व्यक्तित्व के का श्रद्धांजलि हम लोग अर्पित कर रहे हैं जिसमें राष्ट्रवाद कूट कूट कर भरा हुआ था, और राष्ट्रवाद और संगठन और एडमिनिस्ट्रेशन, इस तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव व्यक्ति और सांगठनिक व्यक्ति आपको मिलना कठिन होगा। यही वजह है कि उनके निधन से बीजेपी के बड़े नेताओं से लेकर आम कार्यकर्ता तक शोक में है, और लखनऊ से लेकर अलीगढ़ तक उनकी एक झलक पाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। अलीगढ़ से कल्याण सिंह का कई दशकों का नाता रहा है। लखनऊ में कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन के बाद अब अलीगढ़ में बीजेपी के दिग्गज नेताओं का तांता लगा है। कल्याण सिंह को अंतिम विदाई देने के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ खुद अलीगढ़ में मौजूद हैं। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का आज बुलंदशहर के नरौरा में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। साधु आश्रम, उसके बाद अतरौली, अतरौली में बाबूजी का पैतृक गांव है, वहीं पर जन्मभूमि है बाबूजी की, वहां पर 2 घंटे करीब अतरौली में हम पीडब्ल्यू गेस्ट हाउस में बाबूजी का लोक दर्शन के लिए रखेंगे बाबूजी को। उसके बाद जरौली धूम सिंह होते हुए, जरगमा होते हुए सीधे 3 बजे नरोरा पहुंचेंगे। उनके अंतिम संस्कार में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। कल्याण सिंह की शव यात्रा उनके पैतृक गाँव अतरौली होते हुए बुलंदशहर नरोरा के राजघाट तक 3 बजे तक पहुँचेगी। वहीं राजघाट पर उनके अंतिम संस्कार की तैयारियां पूरी हो गई हैं। कल्याण सिंह की अंतिम यात्रा में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ आम लोगों की भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है। बीजेपी स्वर्णों की पार्टी कही जाती थी, लेकिन कल्याण सिंह ने अपनी राजनीति के दम पर बीजेपी पर लगा ये ठप्पा हटा दिया था। तेज तर्रार हिंदूवादी नेता के तौर पर सियासी सफर शुरू करने वाले कल्याण सिंह ने बीजेपी के सोशल इंजीनियरिंग की ठोस बुनियाद रखने का काम किया है, और पार्टी को उस मुकाम पर पहुंचाया जहां देश की कमान अब उसके हाथ में है।